कहता है कि विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट विद सेम क्वेश्चन फिर से आ गया अपने पास इट इज इसमें से बेस्ट ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और बिकॉज़ फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या है टर्शियरी अल्कोहल है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और दिस इज इट सो दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल सो दिस इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट The reagent used to convert allyl alcohol into acrolein. तो ये अपने पास MnO2 एक reagent है जो कि ये काम कर सकता है. Allyl alcohol CH2 double bond CH2OH. अगर MnO2 लेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे double bond. Silic ammonium nitrate भी same function करता है और ये CH2OH को कन्वर्ट कर देगा CHO में इसके लिए आप जॉन्स रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते थे PDC है ये सब PCC है इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते थे ठीक है नाउ नेक्स्ट है अपने पास यहां पर RS नेगेटिव दिया हुआ है और RO नेगेटिव दिया हुआ है कौन सा सही है कहता है तो जैसे ये है अपने पास H2O, H2S, H2SC, H2TE, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो डाउनवर्ड बढ़ती है हाइड्रासिड्स में, तो इनके जो बेसिस है OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, SCH नेगेटिव और TEH नेगेटिव, इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है बेसिक स्ट्रेंथ और यहीं से आया है अपने पास OR नेगेटिव ठीक है या RO नेगेटिव और SR नेगेटिव तो इन दोनों में से भी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी उसका ऑर्डर ये रहेगा तो जो OR है इट इज मोर नेगेटिव या जो अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है RS इज लेस बेसिक सही है और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कहता है पहला स्टेटमेंट ये सही है उसका कारण है कि नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं पोलार प्रोटिक मीडिया पोलार प्रोटिक मीडिया का इस्तेमाल यदि हम करेंगे जैसे पानी है तो ये जो OR नेगेटिव है OR नेगेटिव की 5 वैल्यू SR नेगेटिव की 5 वैल्यू से ज्यादा है मतलब चार्ज अपॉन रेडियस द स्क्वायर तो ऑब्वियसली इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा या सॉल्वेशन ज्यादा होगा मतलब जो OR नेगेटिव है ये वाटर मॉलिक्यूल से जो OR नेगेटिव है ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा इस तरीके से सराउंडेड ठीक है और इस हाइड्रेशन की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम देखें तो SR नेगेटिव की ज्यादा होगी सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अल्कोहल ये सब फिर वही रिपीटेशन है ल्यूकास रिएजेंट के टुवर्ड्स सेकंड ऑप्शन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और टर्शियरी अल्कोहल मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा यहां पर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन का केस है सो वी आर गिवन C6H5 और ये है अपने पास CH2 और फिर CHOH और फिर CH और CH3 होल्ड ट्वाइस मतलब क्वेश्चन पूछने का जो रीजन है वो ये कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में पहले स्टेप में ये अपने पास बन जाएगा
OH2 positive और फिर इसका removal as H2O. तो अब ये बन गया अपने पास carbocation. अब point ये है कि यदि H positive यहां से निकले तो ये product अपने पास बनेगा C6H5 CH2 CH double bond C और CH3 इस तरीके से मतलब CHF product मतलब जो double bond मिला है वो ज्यादा से ज्यादा branches के साथ मिला है और अगर ये H positive निकलता है we get this kind of alkene CH double bond CH और ये आ गया अपने पास CH और CH3 नाउ ये जो एल्कीन है ये अपने पास यहां हॉफमैन्स प्रोडक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इस पे ज्यादा ब्रांचेस नहीं है उसके बावजूद ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड बना है वो यहां पर इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है सो करेक्ट आंसर है अपने पास यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और अच्छा ये दो केसेस सेंसस और ट्रांस का भी दिया हुआ है तो यहां पर अपने पास अगर सेंसस और ट्रांस की बात करेंगे तो फिर ये अपने पास ट्रांस प्रोडक्ट इज मेजर एल्कीन्स में जो ट्रांस एल्कीन्स हैं दे आर थर्मली मोस्ट स्टेबल तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सेंसस दिया हुआ है और फर्स्ट ट्रांस है सो ट्रांस इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन नाउ एक अपने पास यहां पर जो है एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इथाइल अल्कोहल है इसका P plus I2 के साथ में आयोडीनेशन मतलब ये मिलके बना देता है PI3 और PI3 का अल्कोहल के साथ में रिएक्शन है ROH plus PI3 ये आ जाएगा अपने पास H2PO3 और thrice of RI तो यहां पर आ गया अपने पास C2H5I पहला स्टेप फिर मैग्नीशियम ईथर के प्रेजेंस में ये अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनना हो गया C2H5MgBr या C2H5MgI और फिर मीथेनल के साथ में तो मीथेनल के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव और ये आगे अपने पास इथाइल ग्रुप इस पे अटैक कर जाएगा और ऑक्सीजन पे MgI एंड विल बी गेटिंग C2H5 और ये आगे अपने पास OMgI देन फाइनली हाइड्रोलिसिस पे ये आ जाएगा C2H5CH2OH मतलब प्रोपेनॉल एन प्रोपाइल अल्कोहल फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देने वाला अपने पास यहां पे CH3 CHOH Z और CH3 COZ इस Z में हमारे पास Z की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन हो सकती है वो हाइड्रोजन हो सकता है Z की जगह पे तो फिर CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल तो 1 डिग्री अल्कोहल्स में केवल इथेनॉल ये टेस्ट देगा और Z की वैल्यू अपने पास कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है तो ये अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल में कोई भी एल्केन 2 ऑल ये टेस्ट दे सकता है एल्केन 2 ऑल ठीक है और Z की वैल्यू C6H5 भी हो सकती है तो ये आंसर दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन ठीक है
बाकी कोई भी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, बाकी जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी Z की वैल्यू यदि आप H रखोगे हाइड्रोजन, तो इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड्स में केवल इथेनॉल ये टेस्ट देता है, और कीटोन्स में Z की वैल्यू यदि हम R रख देंगे तो एल्केन टू ओन, ठीक है, और यदि Z की वैल्यू यदि आप C6H5 रखोगे तो एसिटोफिनॉल। और इसी में एक और चेंज कर सकते हो OH की जगह पे X, क्योंकि ये हाइड्रोडोसिस से OH में कन्वर्ट हो सकता है। सो अभी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन।